हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अगर आप भी एयर इंडिया स्टैट्स में जो है वो आप वर्क करना चाहते हैं और बिंग एस एन ग्राउंड स्टाफ और अगर आप हेल्पर्स के लिए जो है वो आप वर्क करना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं, तो आपके लिए मैं जो है वो एक न्यू वैकेंसी लेके आ गया हूँ, जो कि आपका एयर इंडिया स्टैट्स ट्रेनिंग अकेडमी की तरफ से जो है कि आपकी एक न्यू वैकेंसी आई है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसे जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब अपडेट मिलते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आपकी एयर इंडिया सैट्स की तरफ से है, जो कि आपका ये आपका एयर इंडिया सैट्स ट्रेनिंग अकेडमी की तरफ से है, जो कि आपका ग्राउंड स्टाफ और आपका लोडर्स के लिए जो है ये आपकी वैकेंसी आई है। तो इसमें मैं अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। तो सबसे पहला जो है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर मैं बता दूं तो ग्राउंड स्टाफ का जो है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है वो आप होने चाहिए। और अगर मैं लोडर्स का बता दूं कि जो आप लोडर्स में अगर आपको काम करना है तो मिनिमम आप 10th पास आउट कैंडिडेट्स जो है वो आप यहाँ पे जा सकते हैं। एज क्राइटेरिया अगर मैं बता दूं तो ये आपका 18 से 27 इयर्स का जो है वो आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, तो आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, तो वॉक इन इंटरव्यू का जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, तो इसमें आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसमें आप मेल एंड फीमेल जो है वो आप दोनों ही इसमें जो है वो आप इसमें जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर मैं इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगी क्या क्या आपको अपने साथ में डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कैरी करना है। तो सबसे पहला जो है वो आपको अपना आधार कार्ड, फिर आपको पैन कार्ड, फिर आपको अपडेटेड रिज्यूम, उसके बाद आपको जो है अपना पासपोर्ट जो कि आपको 2022 के बाद आपका इशू होना चाहिए, उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको लेके जाना है, जो कि आपका बिजनेस फॉर्मल अटायर्स में जो है वो आपका होगा। फिर मैं इसमें आपका वेन्यू का डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या आपकी वेन्यू की डिटेल्स होने वाली है, क्या आपके इंटरव्यू की टाइमिंग रहने वाली है, क्या डेट रहने वाला है। तो ये डेट आपका जो है वो आपका 11th अक्टूबर यानी आपका कल कंडक्ट होने वाला है, जो कि आपका टाइमिंग्स अगर मैं बता दें तो ये आपका सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है ये आपकी कंडक्ट की जाएगी। और अगर मैं वेन्यू बता दूँ तो ये है आपका ले सफायर होटल A23 रोड नंबर 1 NH8 महिपालपुर एक्सटेंशन न्यू दिल्ली 110037। तो ये आपका महिपालपुर न्यू दिल्ली में जो है ये आपका कंडक्ट होने वाला है। और अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जो कि ये मैं आपको स्क्रीन पे और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर है आपका +917669020101 जो है ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये आपका दिया हुआ है। तो आई होप कि इसमें मैंने आपको टोटल डिटेल्स बता दी हो, फिर भी इसमें आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसे जो अपडेट इन्फॉर्मेशन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जो अपडेटेड मिल रहा है जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।